नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। आदाब, नज़र पर देखो न्यूज़ से, मैं हूँ सिकंदरान और आज हम लोग आए हैं सहारनपुर में। सहारनपुर खलालमपुर में एक जगह है, मैं आपको लिए चलता हूँ सिटी रिकॉर्डिंग सेंटर की ओर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सहारनपुर में एक से एक कलाकार मौजूद हैं, एक से एक गले के मालिक हैं। तो एक ऐसे ही कलाकार से आज हमारी बातचीत हो रही है, मैं आपको उनका तारुफ करा दूँ। आप हैं दिलबार मलिक साहब और आज हम लोग सहारनपुर में उन्हीं के स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलबार मलिक साहब से मैं बात करूंगा गज़ल के ऊपर, क्योंकि आप गज़ल के बेहतरीन गायक हैं, गज़ल को गाते हैं और बहुत अच्छे अंदाज़ में गज़ल को पढ़ते हैं। दिलबार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सर ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के हवाले से तमाम नाज़रीन का को आदाब पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। तमाम नाज़रीन को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। और इसके लिए मैं आपका चैनल का और आपका ममनून मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया है। दिलबार मलिक साहब, कुछ दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि आप इतनी अच्छी गज़लें कैसे पढ़ते हैं, आपके गले में जो ठहराव है, जो भारीपन है, ये कुदरत की एक ऐसी देन है कि आप गज़लों को बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ते हैं, और गज़ल का शौक़ आपको कैसे लगा और इतनी शानदार आवाज़ के पीछे का राज और रियाज़ क्या है, थोड़ा सा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए गज़ल एक एहसास है, गज़ल एक एहसास है जिसे मैं महसूस करके पेश करने की कोशिश करता हूँ, और गज़ल मुझे बचपन से ही, मुझे गज़लें सुनने का बड़ा शौक़ रहा है, तो बस सुनते सुनते गुनगुनाया और गुनगुनाते गुनगुनाते यहाँ तक मैं आ पहुँचा हूँ, और बस एक कोशिश करता हूँ और लोग पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा गा लेता हूँ। अरे ये तो हर बड़ा कलाकार अपने आप में यही समझते हैं कि दिलबार भाई, छोटी सी आपसे, मतलब इतनी शानदार आवाज़ के पीछे का हम आपसे रियाज़ जानना चाहते हैं कि आप रियाज़ कैसे करते हैं और इतनी अच्छी गज़लें आप कैसे, मतलब हमारे सामने, दर्शकों के सामने पेश करते हैं, थोड़ा सा ये भी आप हमें बताएं। देखिए सबसे पहले तो मैंने शायरी की, उर्दू सीखी और फिर शायरी को बाकायदा सीखा, क्योंकि जब तक आपकी उर्दू और आपके तलफ़ुज़ सही नहीं होंगे तो आप गज़ल को, थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा गज़ल को समझना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बाकायदा मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सिकंदर हयात कैलाशपुरी साहब से मैंने शायरी की तालीम ली, और बाकायदा मैंने उर्दू सीखी, और उसके बाद गज़लों को सुना, काफ़ी सुना, सुनता काफ़ी हूँ, और साथ ही साथ ये कह लीजिए कि मेरा कोई दूसरा ज़रिया माश नहीं है, मेरा ज़रिया माश यही है, हालांकि लॉकडाउन की वजह से अब ये मुतासिर हो चुका है। और साथ ही साथ सहारनपुर के और अतराफ में जितने भी फ़नकार हैं उनके लिए भी मेरा सिटी रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे और लोग भी हैं जो आज अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ से आने के बाद और यहाँ से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के बाद। तो मेरा आपसे सवाल है दिलबार मलिक साहब, छोटा सा सवाल ये है कि मतलब आपने जो गज़लें कंपोज़ करते हैं और जो आपकी शायरी है, ये आप खुद लिखते हैं और ख़ुद कंपोज़ करते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं। नहीं, ये दरअसल हिंदुस्तान में बहुत सारे शोराए कराम हैं, और कुछ शोराए कराम ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन और कुछ बहुत ही अच्छे गज़ल सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं, तो उनकी गज़लें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है जिस तरीके से मैं
मैं आपको सुना रहा हूँ। इरशाद। बदन के पास खुशी की एहसास हो कर भी, बदन के पास खुशी की एहसास हो कर भी, रखा है गम से ताल्लुक उदास हो कर भी, बदन के पास खुशी की एहसास हो कर भी। बहुत अच्छी गज़ल आपने गाई है दिलबा मलिक साहब। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मतलब जगजीत सिंह को भी थोड़ा सा आप कहीं फॉलो करते हैं क्या? थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहें। नहीं, जगजीत सिंह ही क्या, मैं तमाम जितने आला फनकार गज़ल गायक गज़ल सम्राट हुए हैं, चाहे वो मेहंदी हसन हो, गुलाम अली साहब हो, और जगजीत साहब हो, तलत अजीज साहब हो, और चंदन दास जी, मैं तो सभी को फॉलो करता हूँ। और गज़ल के अलावा गीतों में भी ये एक, मैं जहाँ तक मेरा स्टेज का ताल्लुक है वहाँ पर गज़ल कम और लाइव जो कौन से। लेकिन सहारनपुर में तो गज़ल गायक के नाम से आपकी पहचान बनी, क्योंकि आपका तरन्नुम इतना शानदार है, आपका तलफ़ुज़ इतना शानदार है कि आप बहुत ही उम्दा, जिसे कहते हैं, एक ऐसी शायरी पेश करते हैं आप गज़ल के ज़रिए से कि सुनने वाले लुत्फ़ानंदोज़ हो जाते हैं और एक हैरत दारी उनके ऊपर ज़रा नाजिल सी हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब माशाल्लाह गला आपका बहुत शानदार है, इस गले को आप रियाज़ के लिए क्या क्या, थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं वो कहीं कोई ऐसे भी होंगे जो गज़ल सीखते होंगे, गुनगुनाते होंगे, तो थोड़ा सा रियाज़ भी थोड़ा सा बता दें जी। गज़ल देखिए आप, गज़ल एक ऐसा फ़न है जिसे महसूस करके आप कुछ भी गा सकते हैं फिर। और जहाँ तक है ये खर्च का इसमें इस्तेमाल ज़्यादा होता है गज़ल में, यानी खर्च थोड़ा सा ये बताएं, मतलब नीचे के जो सुर हैं उन ठहराओ, ठहराओ को ही हम खर्च कहते हैं, उसमें ठहराओ नीचे की जो वॉइस होती है हमारी उसे ठहर के गाना। अभी एक गज़ल और मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरी खुद की कंपोज की हुई गज़ल है और इसके शायर हैं नैनीताल से हैं राजीव कुमार जी, तो उसका एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूँ, मेरी बहुत ही पसंदीदा गज़ल है वो भी। बोल नहीं पाते तो एक दिन, बोल नहीं पाते तो एक दिन, सचमुच में मर जाते हम, दर्द किसी का अपने दिल में, दर्द किसी का अपने दिल में, कितने दिन रख पाते हम, बोल नहीं पाते तो एक दिन, गजलें नज़्में रिश्ते नाते, गजलें नज़्में रिश्ते नाते, दुनियादारी और अना, दुनियादारी और अना, एक तुम्हारी खातिर आखिर किस किस को ठुकराते हम, रोल नहीं पाते तो एक दिन। बहुत अच्छी गज़ल आपने गाई है और जल्दी हमें आपको आपकी गज़ल ये सुनने को भी मिलेगी। तो दोस्तों ये थे दिलबहार मलिक साहब, सहारनपुर में एक उभरते हुए गज़ल गायक हैं, और मैं आपको बता रहा था कि हम लोग सहारनपुर में सिटी रिकॉर्डिंग सेंटर इनका है, और बहुत अच्छे से हमारे दिलबहार मलिक साहब ने अपने बारे में हमें तसल्ली से बताया, और हमारे दर्शकों को भी मुझे उम्मीद है मज़ा आया होगा। तो आज का प्रोग्राम बस यहाँ इतना ही है, तो इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे मिलेंगे, किसी और मुद्दे पे हम बात करते हुए किसी शख्सियत के साथ। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन सलीम अहमद के साथ
सिकंदर राणा, नज़र पर देखो न्यूज़ सहारनपुर।